हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू, आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस इन फिजियोथेरेपी। एक्सरसाइज वर्ड देखने में बड़ा सिंपल लगता है और जब फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज करवाता है तो भी बड़ा सिंपल लगता है कि कितनी सिंपल मूवमेंट हो रही है, पर इसके पीछे का फंडा और इसके पीछे की मैकेनिक्स और उसको सोचने में कितना दिमाग लगता है, ये सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि ये जो एक्सरसाइज हम बताते हैं या करवाते हैं वो किस पेशेंट को, किस मसल को, किस तरह से करवानी है और किस टाइप की एक्सरसाइज करवानी है, इसके लिए बहुत हमारा मैकेनिक्स लगती है और उस मैकेनिक्स के पीछे क्या बेस है वही आज हम इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि ये जो इसके दो पार्ट बनेंगे इस वीडियो के टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज के, फर्स्ट पार्ट में जो हम बता रहे हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है कि हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन के हिसाब से कौन कौन सी एक्सरसाइज हम बनाते हैं और उसको करवाते हैं। और साथ ही साथ नेक्स्ट पार्ट जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें बताया जाएगा कि एक्टिव, बेसिव, असिस्टेड, रेजिस्टेड, ये कौन कौन सी तरह की एक्सरसाइज होती हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें आपको समझ आएगा कि किस तरह की एक्सरसाइज होती है। जैसे आप नी पेन के लिए, बैक पेन के लिए, नेक के लिए एक्सरसाइज करते हैं उसका आपको बेस पता लगेगा कि ऐसे एक्सरसाइज क्यों करवाई जाती हैं, किस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो सारा इसको बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो एक्सरसाइज से जुड़े लोगों के लिए, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, पेशेंट्स के लिए या हमारे जो भी एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट्स करते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कैसे हम ना हमारा जो ये इसको मैंने 5 एक्सरसाइज के बेस में इसको बनाया है क्यों कैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन होती हैं। ये 5 तरह की एक्सरसाइज होती हैं जो हम डेली रूटीन में पेशेंट्स को भी प्रेस्क्राइब करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज होती है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आपने देखा होगा जब डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिशन लिखते हैं तो उसमें लिखा होता है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। सबसे ज़्यादा ये नी में यूज़ होती हैं और भी जगह यूज होती है। तो आइसोमेट्रिक का मतलब ये 3 तरह की आइसो एक्सरसाइज होती हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकिनेटिक। आइसोमेट्रिक का मतलब होता है, आइसो का वर्ड मतलब का तो मतलब होता है सेम, और मेट्रिक का मतलब होता है लेंथ। आइसो सेम लेंथ, जब हमारी कोई एक्सरसाइज में हमारे मसल की जो लेंथ है वो सेम रहे उसको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बोला जाता है। अब आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का एग्जाम्पल क्या होता है, मान लीजिए जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी है तो उसको हम टॉवल प्रेस करने वाली या बॉल प्रेस करने वाली एक्सरसाइज बताते हैं ना नी के नीचे रख के, उसको हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो लेंथ होती है क्वाड्रिसेप्स मसल की वो सेम रहती है, उसमें उसकी लेंथ चेंज नहीं होती, यानी कि ओरिजिन और इंसर्शन जो होता है ज्वाइंट में मूवमेंट नहीं होगी, सिर्फ मसल को हम कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे उसको हम कहते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें हम जैसे प्लैंक्स हैं, इसमें क्या होता है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का सबसे बेसिक फंडा होता है उसमें होल्ड होता है और वो एक ही पोजीशन में होल्ड करना होता है। जैसे प्लैंक्स हैं तो उसमें क्या कर रहे हो आप, उसमें आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है हमारे बैक मसल्स की, कोर मसल्स की। तो इसी तरह से हमारा जो नी आइसोमेट्रिक या हमारे शोल्डर के, बहुत तरह की जिस भी मसल की आपने मूवमेंट करवाए बिना एक्सरसाइज करवा दी, जॉइंट की मूवमेंट करवाए बिना एक्सरसाइज करवा दी, कॉन्ट्रैक्शन करवा दी, उसको हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बोलते हैं। तो नी सबसे सिंपल और बेसिक एग्जांपल है जब हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस की एक्सरसाइज में या एसीएल की इंजरी में भी नी प्रेस करते हैं, सबसे पहली एक्सरसाइज यही बताई जाती है नी के प्रॉब्लम में कि हमने नी को प्रेस करना है, ऐसे बॉल को, टॉवल को प्रेस करना है नीचे की ओर, तो वो क्वाड्रिसेप्स की आइसोमेट्रिक हो जाती है। अब नेक्स्ट आता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब, आइसो का मतलब आपको पता है सेम, टोन का मतलब और टेंशन, मसल में जो टेंशन होती है वो जब सेम रखें। अब ये होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें मूवमेंट होती है यानी कि जॉइंट मूव भी करता है, मसल भी मूव करता है और उसकी जो लेंथ होती है वो भी चेंज होती है, पर टोन सेम रहती है। अब टोन सेम का मतलब फ्री एक्सरसाइज, मान लीजिए अब मेरे को कर्ल करने हैं, बाइसेप्स कर्ल करने हैं या हमने मुझे कुछ भी उठाना है, तो उसमें क्या कर रहा हूँ मैं अपना फ्री एक्सरसाइज, अब मैंने इसको एल्बो को फोल्ड कर रहा हूँ, इसमें टोन सेम रह रही है। टोन सेम का मतलब है कि मैंने इसमें अगर 1 kg का वेट पकड़ा है तो वो 1 kg के वेट के साथ ही एक्सरसाइज हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा कि 1 kg के बाद मैं जब वापस लेके आ रहा हूँ तो 2 kg हो रहा है और थर्ड रेपिटेशन कर रहा हूँ तो 3 kg हो रहा है, ये नहीं है। इसमें टोन सेम रहती है मसल की, जो भी उसको टोन दी गई है वो सेम रहेगी। मान लीजिए फ्री एक्सरसाइज है, पेन पकड़ा है, इसको मैं फोल्ड कर रहा हूँ अपने आर्म को, ये बाइसेप्स के लिए आइसोटोनिक एक्सरसाइज है, सेम टोन, टेंशन रिमेन्स सेम। इसी तरह से आएगा आइसो, और इसका एक एग्जांपल होता है हम जब स्क्वैटिंग कर रहे हैं, स्क्वैटिंग करके इस तरह से उठ रहे हैं तो उसमें टोन क्या है वो सेम है क्योंकि हमारा सेम बॉडी वेट उसको उठा रहा है और कर रहा है और टोन टेंशन जो है मसल में वो सेम बनी रह रही है। थर्ड आता है आइसोकाइनेटिक। आइसोकाइनेटिक में क्या होता है, आइसो का मतलब सेम, काइनेटिक का मतलब स्पीड।
अब इसमें क्या होता है, जो हम जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें स्पीड सेम रहेगी। स्पीड सेम का क्या मतलब, वैसे तो इसके लिए एक स्पेशल मशीन्स आती हैं सेम स्पीड के लिए, पर हम अगर एक ही स्पीड से, मान लो जो फिर से मैं स्क्वैटिंग का एग्जांपल लेता हूँ, सेम स्पीड से स्क्वैटिंग कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे आइसोकिनेटिक एक्सरसाइज। इसमें क्या है, एक ही तरह का वेट दे दो उसको पर स्पीड सेम रखो। अगर वो 2 kg वेट के साथ कर रहा है तो 2 kg वेट पकड़ेगा पर उसकी जो स्पीड है वो सेम रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो फास्ट कर रहा है फिर स्लो कर रहा है फिर फास्ट कर रहा है फिर स्लो कर रहा है, उसमें स्पीड रिमेन्स द सेम। तो इसलिए हमने ये तीन तरह की एक्सरसाइज आइसो में, ये तीन तरह की एक्सरसाइज होती हैं। तो अब चलते हैं अपने फोर्थ और फिफ्थ एक्सरसाइज की तरफ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक कंट्रैक्शन का पता होना जरूरी है। इसमें जब हम एडवांस टेक्निक्स पढ़ते हैं, जैसे MET पढ़ते हैं, अब पैरालिसिस के पेशेंट में, हिप रिप्लेसमेंट के पेशेंट में, या हमारा नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट में, इस तरह की एक्सरसाइज का बेस बहुत यूज होता है। अब ये आइसोटोनिक के ही आगे पार्ट निकलते हैं कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक, क्योंकि टेंशन हमें मसल में देखनी है तो टेंशन का कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक दो तरह की कंट्रैक्शन होती है मसल में। अब इसमें कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन में क्या होता है, कंसेंट्रिक का मतलब सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर, यानी कि शॉर्टनिंग ऑफ मसल। जब हम कोई एंगल अपना कोई मूवमेंट कर रहे हैं तो वो शॉर्टनिंग ऑफ मसल, यानी कि हमारा जो ओरिजिन और इंसर्शन है मसल का वो पास पास आ रहे हैं, सेंटर की तरफ आ रहे हैं। उसमें जो मूवमेंट हो रहा है, एंगल ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, यानी कि एंगल ऑफ पुल और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, वो सेम है। अब मान लीजिए मैंने ये टेबल पे ये पड़ा है, हमारा वेट कफ पड़ा है, तो मैंने अपने राइट हैंड से इसको इस तरह से पिक करके इसको अपनी तरफ लेके आ रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है, बाइसेप्स है कंसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि ओरिजिन इंसर्शन पास आ रहा है। अब इसी तरह से होता है इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसेंट्रिक में क्या होता है, लेंथनिंग ऑफ मसल। एंगल ऑफ पुल जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के ऑपोजिट जाता है। मान लीजिए अब हमारा पुल जो है वो हमारा ऑपोजिट टू द मूवमेंट है। अब देखिए इसमें क्या आएगा, एक तो लेंथनिंग होती है, दूसरा जो ओरिजिन इंसर्शन होता है वो दूर जाता है। अब मान लीजिए मैंने इसी वेट कफ को दोबारा टेबल पे रखना है, मान लीजिए किसी ने जग पकड़ा है और जग को वापस या मग को वापस वो रख रहा है टेबल की तरफ, तो क्या कर रहा है, बाइसेप्स जो है वो इसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस मूवमेंट के रिलेटेड, उस एंगल ऑफ पुल के रिलेटेड। अब मान लीजिए, अब देखिए जब मैंने इस वेट कफ को मैं वापस रख रहा हूँ तो ये मेरा बाइसेप्स है, ये खुल रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ पुल जो है वो ऑपोजिट जा रहा है क्योंकि हमारा इस तरह से जब मैं रख रहा हूँ तो ओरिजिन इंसर्शन दूर जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं इसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्शन, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल्स क्या कर रहा है, ये इसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जब मैं इसको वापस रख रहा हूँ, और जब मैं टेबल से उठा रहा हूँ तो कॉन्सेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब इस कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक में बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी, हमारे स्पेशली स्टूडेंट्स को, तो अब उनमें उनको क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह की 5 एक्सरसाइज होती हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के बेस पे आपको इस तरह की एक्सरसाइज, और आपको जब पेशेंट को करवाते हैं तो उसको भी ये नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह की एक्सरसाइज मेरे किस तरह की प्रॉब्लम में काम आ रही है। ये फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा बेस है। तो इस तरह से मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको एक्टिव, असिस्टेड, रेजिस्टेड, इस तरह की एक्सरसाइज के बारे में बताऊँगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, स्पेशली फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स के साथ, जो भी हमारे फिजियोथेरेपिस्ट ऑलरेडी हैं उनके साथ, पेशेंट्स के साथ। उनको भी बेस पता होना चाहिए, कि उनको पता लगना चाहिए कि फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज इतनी ईजी नहीं होती, उसके पीछे क्या बेस होता है, क्या माइंडसेट होता है, तो ये उससे पता लगेगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें एक भी वीडियो मिस करने वाला बिल्कुल नहीं है। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।